ये बात भारतीय जनता पार्टी से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता कि कितनी बार नीतीश कुमार जी ने उन्हें धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे में जब आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन बातों को रखा है तो वो सही बोल रहे हैं। इस बात को लेकर नीतीश कुमार जी ने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि हर उस गठबंधन को और अपने ही हर उस नेता को धोखा देने का काम किया जिनका साथ लेकर इन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। अरे प्रभु, ये कोई चर्चा का विषय थोड़ी है कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। मैंने बार बार इस बात को कहा, सही समय आने पर, आज चुनाव तो नहीं है ना भाई, ना ही कल चुनाव आ रहे हैं, ना ही कोई चुनाव की अधिसूचना अभी आई है, अभी समय है। और मैं निरंतरता में एक ही बात को मैं कहता रहा हूँ कि जब चुनाव सामने आएंगे गठबंधन किसके साथ होगा, यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगला चुनाव गठबंधन के तहत लड़ेगी, पर वो किसके साथ गठबंधन होगा वो सही समय आने पर ही फैसला लिया जाएगा। अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार पलटू है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, हर बार पाला बदलते हैं, ऐसे के साथ कैसे सरकार हम चला सकते हैं। भाई ये बात भारतीय जनता पार्टी से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता कितनी बार नीतीश कुमार जी ने उन्हें धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे में जब आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन बातों को रखा है तो वो सही बोल रहे हैं। इस बात को लेकर नीतीश कुमार जी ने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि हर उस गठबंधन को और अपने ही हर उस नेता को धोखा देने का काम किया जिनका साथ लेकर इन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। भाई दूसरे दल तो दूर की बात है, जिन्होंने अपने नेताओं को नहीं छोड़ा हो, कोई भूल सकता है इन्होंने जौहर साहब के साथ क्या किया, या दिग्विजय बाबू के साथ क्या किया, या शरद यादव जी के साथ क्या किया, या इनकी अपनी पार्टी के नेता आरसीपी जी जो आज इनसे अलग हुए हैं उनको किस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। समय समय पर अपने स्वार्थ के लिए, गठबंधन को बदलने के लिए जिस नेता ने घटक दलों को धोखा देने का काम किया, तो ऐसे में उनको आईना ही दिखा रहे हैं मौजूदा गृह मंत्री जी। भाई हाजीपुर सीट पर तो कोई चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है ना। हाजीपुर मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे नेता के अधूरे कार्यों को, और ये किसी भी पुत्र का धर्म होता है कि वो अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करे। ऐसे में जब आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है तो हाजीपुर की एक बड़ी जिम्मेदारी है जो कि पुत्र होने के नाते मुझे निभानी है। जमुई का फिर क्या होगा सर? ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।